रीडिंग है जनाब 21651। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल द बियर्ड, ऑल द बाइकर्स, ऑल द टूरर्स। फाइनली जी सीजी फैंस के लिए आ गई राइड, ये देख लें। और राइड भी कहाँ की जी, आज 25th ऑफ डिसम्बर 2021 में मैं देखना चाह रहा हूँ भाई स्नो की क्या सूरत हाल है। कुछ मतलब कोई क्लियर नहीं होता कि भाई मरी में स्नो पड़ी है नहीं पड़ी, क्या पोजीशन है। तो बस वो चलते हैं देखने, और हुई ना हुई, हुई तो उसे टच कर लेंगे, जो हर साल एक मेरा होता है जी टच स्नो वाला मिशन। तो बस फिर चलते हैं और देखते हैं कि जी साथ कौन कौन होगा। लें जी अगले सीन में मैं आ गया हूँ, कहाँ अटक पंप ब्लू एरिया। मैं लेट हूँ, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया जी। अच्छा स्टैंड लगा हुआ, अस्सलामुअलैकुम चाल जी जी, मैंने कहा आज वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक निकालूं। हम लोग पहुंच गए फिर भारा कहूँ, और देखते हैं यहाँ भी अगर कोई साथी हो तो। फिर भारा कहूँ पंप से अब हम लोग निकलते हैं आगे। ब्रेकफास्ट राइड, बहुत दिनों बाद वेयर सीजी। आप लोग सोच होंगे कि सीजी की राइड क्यों नहीं आ रही, तो देखें आज सीजी राइड कर रहा है विद टू ह्यूज बाइक्स, 656 सीजी बैंडिट और 500 सीजी, 5 और 2x बिनेली। और आपके लिए वेयर आज जी मैंने जैसे बताया 25th ऑफ डिसम्बर भी है, और हम लोग मतलब पाकिस्तान के हिसाब से भी कायद आज़म की, और जो क्रिश्चियंस हैं उनकी क्रिसमस है जी। ये देखें जी लोग, हमारी हमारा कैनवॉय, वाओ BAL 656 एंड 502। अच्छा हलीम भाई ने भी ना फैसल भाई 502 नंबर वही लगवाया हुआ है जी जी जी। फुल ग्रांड टोल प्लाजा ना दिखाऊं तो फिर तो पता ही नहीं चलता ना कि मरी साइड पे एंट्री मार रहे हैं कि नहीं। अभी देखें जी लाइन से हम लोग इधर, और बेसिकली व्यूअर्स मैं यानी ये देखना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक हम टूर लगाते हैं यानी लोअर टोपा तक, क्या वहाँ पे स्नो मिलेगी या नहीं। एक तो ये, और दूसरा ये जाहिर है कि मैं CG125SC की एंट्री है व्यूअर्स, जो CG125SC के चाहने वाले होंडा के उनके लिए खास। तो फिर फीडबैक ये है बैंडेट की कि बैंडेट में पड़े टिम्सन के टायर, और मैं फैसल भाई से जाहिर कनेक्टेड है तो मैं ये कह रहा था कि माशाल्लाह रोड ट्रिप अच्छी हो, मतलब काफ़ी यूँ लटा लटा के मोड़ रहे थे तो कैमरा हाँ ये पीछे ही रखें क्योंकि हमने लेफ्ट का इंडिकेटर भी लगा लें जी, क्योंकि हमारा स्पॉट आ गया जहाँ हम नाश्ता करेंगे। इनफैक्ट यहाँ ये व्यूअर्स के सर्दियों में सूरज वगैरह मिल जाता, धूप वगैरह मिल जाती है, तो
नाश्ते के लिए हम लोगों को ये ज़रा पसंद है। और आज ज़रा काफ़ी दिनों बाद आपको पता है कि सी जी में अलॉन्ग विथ वन बैंडेट एंड बैंडेट मोटर बाइक टी आर के 502X फाइनली वी आर एट सोफा हवेली। यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता। मैं अच्छी लुक दिखा दूँ। वाह ओ हलीम भाई पे एक तो सूट भी ऐसी करती है माशाल्लाह 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 502X। और जी ये फैसल भाई की आह ऐसे ऐसे मोड़ रहे थे आज लिटा लिटा के है ना लिटा लिटा के और वो भी सर टिम्सन टायर के साथ। हाँ बड़ी बात है। अच्छा टिम्सन टायर वाकई बड़े अच्छे रहे। पराठे आ गए हमारे अंडे आ गए फ्राइड आपको लुक दिखा दूं। और हाल बुरा हो रहा है जी हमारा। नाश्ता हमने कर लिया व्यूअर्स और अब यहाँ से हम जाएंगे मज़ीद आगे की तरफ देखने। हालांकि मुझे पहाड़ में वैसे नहीं भाई मुझे नज़र नहीं आ रही वैसे दूर दूर कहीं नहीं बर्फ नहीं है। नहीं है अच्छा अल्लाह हाफिज। नाश्ता बहुत अच्छा होता है यहाँ का। इधर से अब हम आगे मूव करेंगे। और इनफैक्ट ये हुआ था कि हलीम भाई का जो है ग्लव में वो कोई वो अंदर फंस गया था वो टाइम इस वजह से लगा। हलीम भाई ने भी स्टार्ट कर ली जी। हमारे टॉम क्रूज भाई मैवरिक मैं इधर रुकता हूँ व्यर्स ताकि आपको अपने साथियों की लुक दिखा दूँ। वाओ बैंडिट की आवाज़ जब आती है तो वाकई ओहो यस। और ये आ गए जी हरीम भाई। एक पार्ट आया है इधर आके फैसल भाई को कुछ हो जाते कोई लिहाज नहीं करते। अभी कैमरा मैंने लेट ऑन किया और वो कोई लिहाज नहीं था बिल्कुल नहीं। अभी आगे भी एक पार्ट आएगा उधर। और हाँ वाइजर मैंने उठाया ठंड आ रही है काफ़ी। और आगे खैर मैं यूँ करूँगा कि माइक अंदर इंस्टॉल मुझे करना पड़ेगा आप लोगों से बात करने के लिए जब मैं स्नो में आऊँगा वरना फिर यूं ही होगा कि सीधी हवा मुझे भी नाक में पड़ेगी। अच्छा ये ट्रैक भी मदे का था जो हमने किया था राइट वाला याद है जी। हाँ लेकिन आगे फिर आखिर ये पार्ट आ गया फिर इधर नहीं लिहाज कर बिल्कुल जो देखे वो देखे आपको कैमरे में नजर भी नहीं आ रही। और हलीम भाई खड़े होके चेक कर रहे हैं। यस कह रहे हैं जी आवाज कट रही है। हाँ जाहिर लेट इतनी
आ गया जनाब यहाँ से राइट हैंड साइड पर पेट्रियाटा जाता है, यहाँ तक आप देखें कि स्नो का कोई आसार नहीं है। बेसिकली रिवर्स में आपको यानी सीजी को मैं खुद भी मिस कर रहा था इसको राइड करना, इसकी राइड प्लस यहाँ की स्नो की क्या सूरत हाल है ये आपसे शेयर करने के लिए। जी कोई स्नो नहीं है ना जी आगे। हाँ जी व्यूअर्स कम अज़ कम आपको भी क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ तक आए तो आज के दिन तक टिल 25th ऑफ दिसंबर 2021 स्नो वगैरह कोई चक्कर नहीं। हवा चिल और फैसल भाई खड़े होके बैंडेड को एंजॉय करते हुए। अच्छा देखिए फिर साइडों पे भी कोई स्नो का चक्कर नहीं। अच्छा इवन सामने भी कहीं नजर नहीं आ रही। जी 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 तो अब जिन्होंने आना है तक वो जो समझे कि यहाँ पे इधर होगी स्नो तो वो अकॉर्डिंगली अपना प्रोग्राम देख लें, और अगर आपने स्नो के लिए नहीं आना तो फिर तो बेशक आ गए आप। और मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे वेंसडे शायद बारिश हो तो फैसल भाई शायद तब हो स्नोफॉल। जी ओके ओके फैसल भाई बता रहे हैं कि प्रिडिक्शन भी है कि बारिश के साथ स्नोफॉल होने का है पहाड़ी इलाकों में। जी जाहिर है कोई कहे कि जी हम तो लाहौर में तो कोई नहीं हुई। जी इधर कुछ पिक्चर तो हो जाए ये लेफ्ट पे और बस यस। अरे व्यूअर्स हम लोग बेसिकली यहीं तक का प्लान भी था और देखते हैं जी लोग दिखा दो। ये लोग आ गई जी ये बैंडिट की ये वो भाई हैं जो लिहाज ही नहीं करते। जहाँ नज़र है ट्रैक शू ऐ निक्की जी सी जी और ये हलीम भाई की ह्यूज 502X हलीम भाई पे सूट करती है। हलीम भाई मज़ा आया ओह यस ज़बरदस्त। अच्छा व्यूअर्स ये लोअर टोपा से अब हम ज़रा लेफ्ट साइड पे ये वाला ट्रैक लेने लगे हैं। आगे मैं फैसल भाई को ही रखता हूँ नहीं बेसिकली मैं फिर आपको गाइड तो कोई मसला नहीं है वरना मैं खाली वीडियो में फिर सिर्फ मैं ही आऊँगा। मैं ज़रा आपको पता है कि बेनेट भाई को एक्सपीरियंस करवाता हूँ ना ऐसे ऐसे। ये तो खैर बिल्कुल सिंपल ट्रैक है लेकिन ये कि अच्छा आपने नहीं देखा फैसल भाई ये तो फिर तो अच्छा है। इससे काफ़ी सारा बेसिकली बाईपास हो जाता है और फॉर अ चेंज चलेंगे ये है कि यहाँ पे व्यूअर्स एक यानी पार्क है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद पता नहीं शेंगरीला पार्क या क्या लिखा हुआ वाटरफॉल या कोई इस टाइप का ये और शॉर्टकट हो जाता है दोबारा निकल वहीं जाएगा ये मोटरवे पे ही मरी एक्सप्रेस वे या मोटरवे जो भी। जी अच्छा सोजो एडवेंचर पार्क ओके जी 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 हलीम भाई को मैं आगे भेजूं ताकि वीडियो में तो आए। चलें जी 502X हलीम भाई को भी हमने आगे कर दिया।
स्ट्रेट वेयर जब स्नो पड़ती है तो यहाँ भी सही स्नो पड़ती है और यहाँ से जाना जाहिर है मुश्किल हो जाता है। और हलीम भाई अपनी बाइक को एंजॉय करते हुए खड़े होके ये देखे ना फैसले में कितना वो बाईपास हो जाता है। जी 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 यानी उसके ऑपोजिट वो जो मैंने और आपने वो ट्रैक की थी एक दफा वो सामने वाली। और जी व्यूअर्स ये एक छोटा सा रास्ता आपको दिखाना था, इधर से अब हम होंगे राइट को। यस फैसल भी ख्याल से उधर से गाड़ियां आ रही होती जरा, पहले रोड पूरा देख लेंगे और फिर ब्रेक लगा के। यस थोड़ा ये गाड़ी भी गलत खड़ी की है, मैं थोड़ा आगे, इसने अब मेरा ख्याल है मोड़ में। ठीक है ओके